क्या मरने के बाद दोबारा होता है जन्म? पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जिस पर सालों से बहस जारी है। कोई इसे सच मानता है तो कोई बकवास, लेकिन वर्तमान में ये केवल एक अंधविश्वास नहीं रहा बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। आज तक पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हुए हैं। पुनर्जन्म को साबित करने के लिए आज बहुत सारे सबूत हैं। तो उन सबूतों और शोधों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आपको देखना ही पड़ेगा। तो आज जानिए पुनर्जन्म का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं अनदेखा सच। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों का ब्रेन वॉश करने का नहीं है, बल्कि मेरा खुद पुनर्जन्म के रहस्य को जानने का कोशिश का परिणाम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद हम पुनर्जन्म लेते हैं, यह धार्मिक सिद्धांत कहता है, लेकिन अब विज्ञान इससे सहमत दिख रहा है। इस विषय पर दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों और परामनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों द्वारा शोध किया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। हिंदुओं के अलावा दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं भी पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता आदि ग्रंथों में पुनर्जन्म की उल्लेख है। बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म को निश्चित मानते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और पाइथागोरस भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। पर जिन समाजों और संप्रदायों में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता, जैसे कि यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच में भी पुनर्जन्म की घटनाएं हुई है और परखने के बाद सही साबित हुई है। यूरोप और भारत में ऐसे ढेरों किस्से मिल जाएंगे जिनको अपने पिछले जन्म की याद है। तो पुनर्जन्म का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण वो बच्चे हैं जिनको अपने पिछले जन्म की याद है। तो चलिए पहले तीन ऐसी सच्ची पुनर्जन्म की किस्से के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पुनर्जन्म पर हुए वैज्ञानिक शोधों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, भारत के शांति देवी के पुनर्जन्म के किस्से को तो सभी जानते हैं, जिसे खुद महात्मा गांधी ने ही शोध किया था। तो इस कहानी को मैं नहीं बता रहा हूँ, और चलते हैं इंग्लैंड के हेक्साम शहर, जहां सन 1957 में एक कार से टक्कर होने से एक 11 साल की लड़की जोआना और उसकी 6 साल की बहन जैकुलिन की मौत हो गई थी। एक साथ दो बच्चे खोकर उनकी माता पिता बेहद दुखी थे। पर उस घटना के महज एक साल बाद उनका फिर से दो जुड़वा बच्ची पैदा हुई। उनका नाम रखा गया गिलियन और जेनिफर। पर जेनिफर के कमर और माथे पर एक ऐसा छोटा जन्म चिन्ह था जो हादसे पे गुजर चुकी जैकुलिन की उसी जगह पर थी। जब जुड़वा बच्चे 3 महीने के थे, तब उनका परिवार हेक्साम शहर छोड़कर दूसरे शहर जाके बसने लगे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती गई, उन्होंने हेक्साम शहर के बारे में बात करने लगी, जैसे वो दोनों हेक्साम शहर में ही पली बड़ी हो। पर वो दोनों हेक्साम शहर 3 महीने के उम्र में ही छोड़ दिया था। और जब लड़कियां 4 साल की हुई, तब उनका परिवार वापस हेक्साम शहर लौट आए, और तब लड़कियों ने उन स्थलों की ओर इशारा किया और नाम बताते चले गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे वो स्कूल जहां उनकी मृत बहनें पढ़ती थी, और एक खेल का मैदान जो उनकी मृत बहनों को पसंद था, और वो उस खेल के मैदान का रास्ता भी जानती थी, जबकि वो दोनों वहां पहले कभी नहीं आई थी। उसके अलावा उन दोनों ने कुछ ऐसे खिलौनों की मांग किया जो असल में उनकी मृत बहनों की थी, और उन खिलौनों को उन्होंने पहले देखे भी नहीं थे। इसीलिए उनकी पिता मानने लगे कि गिलियन और जेनिफर के रूप में जोआना और जैकुलिन का पुनर्जन्म हुआ है। पर उनकी माँ को विश्वास नहीं था। उनको तब जाके विश्वास हुआ जब गिलियन और जेनिफर ने उस कार एक्सीडेंट के बारे में बात किया, और इसीलिए वो दोनों गाड़ियों से मन ही मन डरती थी। उसके अलावा उनकी माता पिता ने गौर किया कि उनकी व्यक्तित्व उनकी मृत बहनों के समान ही थे। पर जब दोनों लड़कियां 5 साल की हुई, तब उनके मन से अपने पिछले जन्म की यादें धीरे धीरे दूर होने लगे और वे सामान्य जीवन जीने लगे। तो अभी चलते हैं दूसरी सच्ची घटना की तरफ। सन 1998 में साउदर्न टर्की में अतराकापी नाम की एक लड़की की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, और महज 28 दिनों के बाद पास के ही एक गांव में डामिक एल्डरी नाम की एक लड़की पैदा हुई,
जिसकी आंखें, नाक और चेहरा अतरा कापी जैसे ही थी और साथ ही उसके सिर पे एक जन्म चिन्ह था उसी जगह पे जहां अतरा कापी को चोट लगी थी। डामिक जब से बोलने लगी तब से वो कहती थी कि उसकी दो माँ है और एक बहन है जिसका नाम है आयफा और असल में अतरा कापी की बहन का नाम थी आयफा कापी। जब दामिक 4 साल की हुई वो अपने पिछले जन्म की मौत के बारे में बात करने लगी। उसको जैसे सब याद था। उसने कहा कि उस कार एक्सीडेंट में उसका सिर जाके एक पत्थर से टकराया था और उसके बाद एक विस्फोट हुआ और उसका दिमाग निकल आया और उसके बाद वो छोटी और छोटी होती चली गई। एक बार दामिक को लेकर उनकी परिवार गाड़ी में उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पर अतरा कापी की मौत हुई थी, पर उस एग्जैक्ट लोकेशन पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले दामिक अपसेट होने लगी। वो कांपने लगी और रोने भी लगी जैसे वो किसी बात से डर रही थी। और जब उसको परिवार के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तब दामिक ने कहा कि ये वही जगह है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। इन दोनों घटनाओं में बच्चों ने बहुत जल्दी ही पुनर्जन्म ले लिया था, पर कुछ लोगों की आत्मा हजारों साल भटकती रहती है पुनर्जन्म पाने के लिए, जैसे कि हमारी अगली सच्ची कहानी में होने वाला है। सन 1904 में लंदन में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया डोरोथी एडी। जब वो महज 3 साल की थी वो खेलते खेलते अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था, पर 1 घंटे बाद वो फिर से जी उठती है। पर इस घटना के बाद उसको पिछला जन्म याद आने लगा, लेकिन वो बता नहीं पाती थी कि उसका पिछला जन्म कब और कहाँ हुआ था। और जब वो 4 साल की थी तब उसके माता पिता उसे घुमाने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम के मिस्र के संग्रहालय ले गए थे और वहाँ जाके उसको उसका पिछला जन्म का जगह का याद आ गया। वो वहाँ पर भाग भाग के वहाँ मौजूद मिस्र के मूर्तियों के पैर चूमने लगी और कहा कि यही उसके अपने लोग हैं और मिस्र में ही उसकी घर थी। उसके बाद वो इजिप्ट जाने की जिद करने लगी, लेकिन उसकी माता पिता ने इनकार कर दिया। जैसे जैसे डोरोथी बड़ी हुई उसको सब याद आ गई थी, उसको नया जन्म आस नहीं आ रही थी और जैसे तैसे वो अपना पुराना घर जाना चाहती थी। और आखिरकार सन 1931 में डोरोथी ने एक इजिप्शियन नागरिक से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए इजिप्ट आ गई और कहा कि मैं आखिर अपना घर आ चुकी हूँ। इजिप्ट आकर वो मिस्र की भाषा भी बोलने लगी। उसके अलावा वो मिस्र की चित्रलिपि को आसानी से पढ़ भी सकती थी और लिख भी सकती थी और उसी मिस्र की चित्रलिपि में उसने अपने पिछले जन्म की कहानी को लिखा। उसने लिखा कि आज से 3000 साल पहले इजिप्ट की एबाडोस में मौजूद सेती प्रथम की मंदिर में वो एक पुजारी थी, तब उसका नाम बेंत्रिस थी और 1290 ईसा पूर्व में इजिप्ट में ही उसका पिछला जन्म हुआ था, पर उसने उस जन्म में आत्महत्या कर लिया था। लेकिन अब 3000 साल बाद उसका पुराना घर और जगह है सब कुछ खंडहर बन चुका था, फिर भी डोरोथी एडी अपनी आखिरी सांस तक इजिप्ट में ही रही और सन 1981 में मिस्र में ही उसका देहांत हो गया। तो ये 3 घटनाएं पुनर्जन्म को साबित करते हैं, पर इनके अलावा भी हजारों लाखों के तादाद में ऐसी सच्ची पुनर्जन्म की घटनाएं अतीत से लेकर आज भी हो रही है। पर क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक आधार है? चलिए जानते हैं। पुनर्जन्म को जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि हम जिंदा कैसे हैं, मतलब वो क्या है जिससे हम जिंदा है। क्या हमारे अंदर आत्मा है इसीलिए हम जिंदा है? क्या आत्मा ही चेतना या कॉन्शियसनेस है? जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो वो जड़ हो जाता है। उससे साबित होता है कि उसमें आत्मा या चेतना कुछ तो था जो अब नहीं है। और अगर वो आत्मा था तो वो असल में कहाँ होता है? क्या आत्मा हाथ में, पैर में, पेट में या दिल में होता है? चलिए जानते हैं। हाथ पैर के बिना भी इंसान जिंदा रह सकता है, मतलब हाथ पैर में आत्मा नहीं होता। तो जिंदा रहने के लिए जो अंग सबसे जरूरी होता है उसी में ही आत्मा होगा। अगर इंसान का गले के नीचे के सभी अंग गायब कर दिया जाए और सिर्फ सिर रह जाए तब भी वो इंसान खुद को जिंदा ही महसूस करेगा। सिर्फ सिर में खून का प्रवाह बना रहना चाहिए किसी तरह। उसके बाद आँख, कान, नाक ये सभी को भी निकाल दे तब भी वो जिंदा ही महसूस करेगा, जब तक दिमाग में खून का प्रवाह होता रहेगा। मतलब सिर्फ दिमाग रह जाए तब भी वो इंसान खुद को जिंदा महसूस करेगा। तो जो भी है दिमाग में ही है।
तो दिमाग में ऐसा क्या है? असल में दिमाग में करोड़ों की तादाद में नर्व सेल्स है जो इलेक्ट्रिकली काम करता है। दिमाग शरीर के हर अंग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है जिनसे हर अंग काम करता है। दिमाग में इतना इलेक्ट्रिसिटी होता है कि एक छोटा सा लाइट बल्ब जल सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी असल में होता है इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। तो दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को शरीर के अलग अलग अंगों तक भेजा जाता है, और उस हिस्से के अंदर वो क्या है जो ये काम कर रहा है? क्या वही आत्मा है? जी हाँ, वही आत्मा है जो एक क्वांटम स्थिति है जो कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। और इसका पता लगाया है अमेरिका के डॉक्टर स्टुअर्ट हामेरफ और लंदन के रॉजर पेनरस जैसे जाने माने वैज्ञानिकों ने। वो मानते हैं कि आत्मा एक एनर्जी या ऊर्जा है जो दिमाग के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोटुबुलस नाम के संरचनाओं के अंदर रहता है। मरने के बाद माइक्रोटुबुलस निष्क्रिय हो जाता है, पर उसके अंदर का क्वांटम स्थिति रह जाता है, और ये क्वांटम स्थिति एक ऊर्जा है। और विज्ञान के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार ऊर्जा किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होती है, केवल इसका रूप बदल सकता है। तो दिमाग के अंदर का वो क्वांटम स्थिति मरने के बाद भी किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं जरूर रहता है। जिस प्रकार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार चेतना या कॉन्शियसनेस नष्ट नहीं होती। जैसे हम एक कंप्यूटर से फाइल्स को क्लाउड सर्वर में अपलोड करते हैं और उन्हीं फाइल्स को एक नया कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसी तरह मरने के बाद जो क्वांटम स्थिति रह जाता है वो किसी नए शरीर के दिमाग में अपना जगह बना सकता है। मतलब आत्मा या चेतना के लिए एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना संभव है, और यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, लेकिन जिनका कोई दायित्व या जिम्मेदारी या इच्छा रह जाता है वो आत्माएं नया शरीर धारण नहीं कर पाती है और धरती पर ही भटकती रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का नसीब अपने जनों के गुजर जाने के बाद बदलने लगता है। जिसके पास पैसा नहीं था उसके पास कहीं ना कहीं से पैसे आने लगते हैं। अच्छा जॉब मिलता है, जिनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे उनकी अच्छे घराने में शादी हो जाता है, क्योंकि मरने वाला आत्मा बनके भी अपना जिम्मेदारी पूरा करता है या अपने प्रियजनों को हेल्प करते हैं। और ऐसी आत्माएं एक ही परिवार में ही या आसपास ही पुनर्जन्म लेता है। पर आधुनिक काल में मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हुए हैं। उन शोधों में दो शोध महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनमें से एक शोध हमारे ही भारत के बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए डॉक्टर सत्यवंत पसरिया के निर्देशन में हुई। डॉक्टर पसरिया ने क्लेम्स ऑफ रिकॉर्नेशन एंड एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया शीर्षक एक लेख लिखी, जिसमें भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की सच्ची घटनाओं का उल्लेख है। और दूसरी शोध अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर यान स्टीवेंसन के निर्देशन में हुई। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रिकॉर्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण पुनर्जन्म पर हुई शोध का किताब माना जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही पुनर्जन्म के शोध में समर्पित कर दिया था। वे बोलते हैं कि मौत का अनुभव, मौत का दृश्य, यादें और शारीरिक चोटें एक जीवन काल से दूसरी तक स्थानांतरित हो सकती है। उन्होंने वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वो अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। डॉक्टर स्टीवेंसन ने अनेक देशों की यात्रा की और दुनिया भर के 3000 बच्चों के मामले की जांच की जिनको अपने पिछले जन्म की याद थी। अधिकांश बच्चे अपनी पिछली पहचान के बारे में बहुत तीव्रता और भावना के साथ बात करते हैं। अक्सर वे खुद के लिए नहीं तय कर सकते हैं कि दुनिया असली है या नकली। वे एक तरह का दोहरा अस्तित्व अनुभव करते हैं, जहां कभी कभी एक जीवन अधिक महत्वपूर्ण होता है और कभी कभी दूसरा। आमतौर पर बच्चे 2 से 4 की उम्र के बीच में अपने पिछले जन्म की यादों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, और जब बच्चा 5 और 7 साल के बीच में होता है तब उसकी यादें धीरे धीरे कम होती जाती है। साथ ही स्टीवेंसन के मुताबिक हर नया जीवन अपने साथ पूर्व जन्म के संस्कार और भौतिक चिन्ह लेकर आता है,
और एक जन्म के कार्यों का प्रभाव दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। इस जन्म के संस्कार मरने के बाद भी वे संस्कार अगले जन्म को स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस प्रकार संसार में आपाधापी और धक्का देकर अवसर छीन लेने की होड़ है, उसी प्रकार आत्माओं के बीच में भी धक्का देकर दुष्टात्मा श्रेष्ठ गर्भ छीन लेती है, जिससे कभी कभी दुष्ट चरित्र के व्यक्ति किसी कुलीन और सांस्कृतिक परिवार में जन्म लेता है। कोई गाली गलाज करने वाला बालक अच्छे और कुलीन गर्भ में जन्म ले लेता है। वहीं किसी असभ्य कुसंस्कारित माता के गर्भ में भी कभी कभी शांत बालक जन्म ले लेता है। इसके बाद अगर व्यवहार से उदाहरण ले तो यदि बच्चा का जन्म बहुत गरीब और निम्न जाति के परिवार में हुआ है, जबकि अपने पिछले जीवन में वो उच्च जाति का सदस्य था, तो ये अपने नए परिवार में असहज महसूस करता है। बच्चा किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने से मना कर सकता है और सस्ते कपड़े पहनने से इनकार कर सकता है। शुद्ध शाकाहारी बच्चा किसी मांसाहारी परिवार में जन्म ले ले तो वो मांसाहार के प्रति अरुचि दिखा सकता है। अक्सर जो बच्चे अपने पिछले जीवन में विपरीत लिंग के सदस्य थे, वे नए लिंग के समायोजन में कठिनाई दिखाते हैं। लड़कों के रूप में पुनर्जन्म होने वाली पूर्व लड़कियों को लड़कियों के रूप में पोशाक करना या लड़कों की बजाय लड़कियों के साथ खेलना पसंद हो सकता है। यही नहीं, स्टीवेंसन ने अपने अध्ययन में पाया कि मौत का अनुभव और मौत का दृश्य भी एक जीवन काल से दूसरे तक स्थानांतरित हो सकती है। यदि पिछली जिंदगी में कोई डूब गए थे तो उन्होंने इस जन्म में अक्सर पानी में नदी आदि में जाने के बारे में डर व्यक्त किया। यदि वे सड़क दुर्घटना में मर गए थे तो गाड़ियों में, बसों या लोरी में यात्रा करने का डर पैदा होता है। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक शारीरिक चोटें एक जीवन काल से दूसरी तक स्थानांतरित हो सकती है। इसीलिए कुछ बच्चे जन्म से ही कुछ खास भौतिक चिन्ह लेकर आता है, मतलब पिछले जन्म की शारीरिक चोटों की निशान इस जन्म में भी दिखाई देता है। लेकिन हर किसी को अपना पिछला जन्म याद नहीं आता है, पर हर व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में उसके पूर्व जन्म की स्मृति सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है, और वो स्मृति कभी स्वप्न में तो कभी जागृत अवस्था में स्वतः ही प्रकट होती रहती है। लेकिन व्यक्ति इस पर कभी ध्यान नहीं दे पाता है। कभी वो स्वप्न में किसी ऐसे शहर, गांव या गलियों में घूम रहा होता है जिसे उसने इस जन्म में नहीं देखा है। कभी किसी को स्वप्न में बार बार उफनती नदी का दृश्य तो किसी को हथकड़ी नजर आती है, यह अकारण नहीं है। कभी किसी जन्म में किसी व्यक्ति ने कोई दुष्कर्म किया होगा जिसकी स्मृति में हथकड़ी जुड़ा है। कहीं किसी जन्म की आत्महत्या की स्मृति व्यक्ति के साथ कभी रस्सी के रूप में तो कभी नदी के रूप में चलती रहती है। इसी तरह कोई स्थान उसे हमेशा दिखाई देता रहता है जिसका संबंध उसके पिछले जन्म से होता है। इसी तरह कभी जागृत अवस्था में भी किसी व्यक्ति को कोई अनजाना व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। किसी गांव या शहर में वो कभी नहीं गया होगा, लेकिन वहां पहली बार जाने पर लगता है कि शायद वो पहले भी यहां आया था, लेकिन ठीक से याद नहीं आता है। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने अगले पिछले सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन योग्याभ्यासी के लिए सरल है। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाओं को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे, तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाए। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ माह बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगा, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। जैसे कि तिब्बत में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को अपने पिछले जन्म और अगले जन्म का पूरा वृत्तांत याद है। पिछले जन्म में वो कहां पैदा हुए थे और इस शरीर को त्यागने के बाद उनका अगला जन्म कहां होगा, वे शरीर त्यागने से पहले ही अपने शिष्यों को बता जाते हैं। उनके शिष्य उनके देह त्याग करने के तत्काल बाद उनके अगले जन्म के रूप की खोजबीन कर पहचान लेते हैं और मठ आदि में लाकर उसे बाल्यकाल से ही श्रेष्ठ धर्मगुरु की पदवी मिल जाती है। ऐसे ही वो कई जन्मों से अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं। हर बार मृत्यु होने पर मात्र शरीर का ही अंत होता है, इसलिए मृत्यु को देहांत मतलब देह का अंत कहा जाता है। जो जन्मा है उसका देह का अंत होगा ही, चाहे वो मनुष्य हो, पशु, पक्षी या वनस्पति। मृत्यु के बाद उनको दोबारा जन्म भी लेना होगा,
लेकिन पुराणों के अनुसार पुनर्जन्म में कौन सी जाति मिलेगी वो उसके अपने कर्मों से निर्धारित होगा, जैसे वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति, यह क्रम चलता रहता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि किसी किसी जानवर और पक्षियाँ किसी खास व्यक्ति के प्रति अपना लगाव प्रकट करता है। शायद वो जानवर या पक्षी पिछले जन्म में उस व्यक्ति का कोई जाना पहचाना इंसान था, जिसका अब पशु जाति, पक्षी जाति में पुनर्जन्म हुआ है। तो आपको आगे कौन सा जाति मिलेगा वो आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। यहाँ तक कि मनुष्य अपने कर्मों से देव जाति में भी स्थान प्राप्त कर सकता है, जो इंसान से ऊपर का एक जाति है। तो जैसे इस अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का, तारे, ग्रहों का सृष्टि होना और उन ग्रहों में जंतु, जानवर, पक्षी, इंसानों का रचना होना एक स्वयंचालित प्रक्रिया है। कोई चाहे या ना चाहे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ जन्म लेते रहेंगे और पुनर्जन्म भी। हम इनके रहस्य को जान ले या जान ना पाए, ये सब ऐसे ही ऑटोमेटिकली अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों के संयोग से जो जीव बने हैं, मृत्यु के बाद वे नष्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे मिट नहीं जाते, सिर्फ रूप बदल जाता है। और वही नहीं मिटने वाले पदार्थ और ऊर्जा से एक नया शरीर में सभी का पुनर्जन्म निश्चित है, आपका भी।